सो गाइस, फिर एक बार मोटो ब्लॉग में। सो आज का जो वीडियो जहाँ पर होने वाला है वो जगह पे मैं अभी जा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 3:16, ओके 3:16 हुआ है। अभी 3 बजे का जाने का टाइम था, ठीक है, थोड़ा लेट हुआ है, कोई बात नहीं। वेदर काफ़ी अच्छा है, लगता है बारिश होने वाले है। चलो देखते हैं आज जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ का माहौल कैसा है। बारिश गिरना शुरू हो गया है, जल्दी जाना पड़ेगा। इस हालत में भीगना नहीं चाहता भाई। तो आ गया वो जो दिख रहा है येलो कलर की बिल्डिंग दाएं तरफ। यस, ए डे ऑफ माय जिम, जिम के लिए एक वीडियो बनाना। यस, दिस इज ड्रैगन जिम। सो फ्रेंड्स, फिर आगे जहाँ आना था, कहाँ आना था आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये मेरा जिम है, मेरा नहीं, हम सबका है जिम, ठीक है। सो आज यही पे टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ वर्कआउट यहाँ पे करते हैं। रोज़ इस टाइम पे आते हैं, 3:30 आते हैं, मॉर्निंग में आके कार्डियो करके चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मॉर्निंग में आके कार्डियो कर लेते तो क्या होता है मालूम, क्योंकि जो एनर्जी, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन नहीं होता है। सो इसलिए मॉर्निंग में कार्डियो करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों का जो ट्रेनर है, मेरे बड़े भैया जैसा, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट आके अगर वर्कआउट करो और कार्डियो करो तो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अब लोग जानते हैं अली सी देवदा, तो हम सुबह उठते हैं 10 या 11 बजे, ठीक है। तो कहाँ से आए भाई, तो हो जाता है कभी कभी, समझ सकते हो, ऐसा एज में ऐसा होता रहता है, ठीक है। सो चलो कुछ वर्कआउट करते हैं और भाई लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोगों से। सो फिर आ गए इस तरफ मेन जिम है, ठीक है। तो चलिए मेरे जो भैया है उसे पहले मिलाते हैं, वो अभी वर्कआउट कर रहे थे। तो ये मेरे भैया है, ठीक है, तो ओनर है ड्रैगन जिम का और मेरा ट्रेनर भी है। भैया ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, ठीक है, इस जिम में आके, और अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो भैया आप कुछ बोल दीजिए मेरे चैनल पे। क्या बोलेंगे इस बात में, जिम है, ये जिम खोले इसलिए कि सबको सर्विस दे पाए, अच्छा सा ट्रेनिंग दे पाए। ये बाकी में पहला जिम है जो जिसमें फैट लॉस, वेट लॉस और मास गेनिंग का ट्रेनिंग होता है, ये सब और नॉर्मल। ठीक है भैया, और एक जो मेरा भैया है, ठीक है, उससे मैं मिलाता हूँ।
ये बैग पूरा सिर रह चुका है, ठीक है, मेरा भैया दीपक, ठीक है। सो आप कुछ बोलेंगे भैया? नहीं बोलेंगे। भैया शर्मा रहा है, ठीक है। तो शर्मा ने दो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट डिस्टर्ब नहीं करते, वो भैया लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और एक जो भैया है वो अभी चला गया है, ठीक है, शर्म के मारे निकल गया है। सो इस जिम का जो डाइटिशियन है उसके साथ बात करता हूँ और वो सारी इस जिम का जो इंस्ट्रूमेंटर है वो दिखा देगा, ठीक है। सो मिलिए, ये है ओके। सो आप इस जिम का जो सारी इंस्ट्रूमेंटर है मेरे दोस्तों को, मेरा जो भाई लोग है, फ्रेंड है, उसको बता दीजिए, ठीक है, कौन सा क्या मशीन है। और अगर यहीं पे कोई बत्ती ओढ़ना चाहता है, यहाँ का कोर्स भी है, या फिर जो भी सारी डिटेल्स हैं आप लोग बता देंगे लास्ट में, पहले सारी चीज़ का एक डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है। सो ये कौन सा मशीन है? ये लेग पुल डाउन मशीन है। ओके, ये वाला ये स्मिथ मशीन, ये स्मिथ मशीन है, ओके। दिस वन कॉल्ड बटरफ्लाई और पीस फ्लाई, पीस फ्लाई और बटरफ्लाई हम लोग सब सब जानते हैं। और ये दिस वन शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस, ओके। सो ये कौन सा मशीन? दिस वन फंक्शनल ट्रेनिंग मशीन, ओके। तो इधर मैम एक्सरसाइज कर रहा है, उधर से चलिए। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? दिस वन इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, ओके। सो ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस आप देख सकते हैं। ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ये पिचर कट मशीन, ओके। देन नेक्स्ट, सो ये भैया जो कर रहा है इसका नाम क्या है? ये लेवल रो है, ये लेवल रो मशीन, ठीक है, बैक के काम में आता है, ओके। ये आप जो मशीन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ये सीटेड रो है, सीटेड रो, ओके। सो ये जो मशीन देख रहे हैं इसका नाम? दिस वन साइड लेटरल मशीन, दिस वन लेग एक्सटेंशन मशीन है। ये कौन सा मशीन है? लेग प्रेस। एंड दिस वन पावर स्क्वाट मशीन, दिस वन चिन अप्स। अगर आप पानी पीना चाहते हो तो यहाँ पे पी सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो प्यूरिट का प्यूरिफायर लगा हुआ है, साउंड सिस्टम भी है, लॉकर फैसिलिटी भी है, ठीक है, इधर भी लॉकर है, उधर भी है लॉकर है। कड़ा
एकदम। सो हो गया फाइनली, अब घर जाना है। लास्ट टाइम में मुलाकात हो गई भैया से, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप जिम करते हो, मैं चलता हूँ। चासी बिल पर बताओ। सो गाइस, आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियो सब देख लिया होगा। तो इसके वीडियो के लिए कुछ मैं कहना चाहता हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि इस वीडियो में कुछ शॉट्स आप लोगों को दिखाया है मैं इंस्ट्रूमेंट का, तो सारी शॉट नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं उस दिन जब जिम गया था तो एक जल्दबाजी में एक ही बैटरी ले गया था कैमरा का, तो कैमरा मेरा बैटरी लो हो गया था इसलिए सारा शूट नहीं कर पाया। तो क्या हुआ कि जो जो शूट मैंने लिया है वो आप लोगों को दिखाया था, इसके वगैरह और भी इंस्ट्रूमेंटल है जो आप लोगों को दिखा नहीं पाया, अगले किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखा दूंगा। और जिम के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल की डेट में वेट लॉस या वेट गेन करना बड़ी बात नहीं, लेकिन फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं आजकल का जो समय चल रहा है ना, कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम में सबसे बड़ी बात है आप लोगों का अंदर से स्ट्रांग रहना, इम्यूनिटी पावर गेन करना। तो देखिए, इम्यूनिटी पावर गेन तो घर में बैठ के नहीं होगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वर्कआउट करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, या हम लोग क्या करते हैं, जंक फूड स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसके लिए वेट हमारा इसलिए हमारा वेट बहुत गेन होता है, तो इस वजह से शरीर में बहुत तकलीफ आती है। इसको अगर ठीक रखना है ना, तो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना होगा और डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। और देखिए, आप मुझे देखिए, मेरा जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मेरा समथिंग 1.5 साल हो गया जिम करते हुए, तो लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कि मैं रेगुलरली नहीं कर पाता क्योंकि काम के सिलसिले में कभी बाहर जाना पड़ता है, घर का काम रहता है, इसलिए रेगुलर नहीं हो पाता, इसलिए अभी तक फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो जिम स्टार्टिंग में मेरा वेट था 98 kg था, ठीक है, अभी जो मेरा है 75 something 60 हुआ था लॉकडाउन के चलते, कुछ गेन हो गया तो 75 अब मेरा वेट है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे 23 kg मैंने लूज़ किया है विद इन 3 month, ठीक है, डाइट और वर्कआउट में। तब जो मेरा शरीर था अच्छा था, ठीक है, लेकिन कुछ एनर्जी लेवल डाउन रहता था, कुछ करने को मन नहीं करता था। अब जो मेरा वेट लूज हो गया ना, मेरा बहुत एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। और आप लोग जो जो जिम करते हो उन लोगों को ज़रूर मालूम होगा, जिम के बाद जो एनर्जी लेवल हाई होता ना, वो जो करता है वही समझता है भाई। तो एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहूँगा, फिट रहिए, सुस्त रहिए। देखिए, इस जिम के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो देखिए, ये जिम मेरे घर के बहुत नज़दीक है, ठीक है। और एक चीज़ के यहाँ पर जो ट्रेनर है वो सभी मेरे दोस्त है। और यहाँ का जो जिम का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो स्पेस है और जो इंस्ट्रूमेंट है, वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये जिम जाता हूँ। सो सारी बातें हो गई, एक बात रह गई जो इस जिम का लोकेशन। तो इस जिम का लोकेशन है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, टमेन टाउन में, नूतन चेटी करके एक जगह है जहाँ पे शारदामणि कॉलेज के ठीक ऑपोजिट में ये जिम है, ड्रैगन जिम, आप लोगों तो नाम पहले देख लिया होगा। तो इस जिम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्प्ले में दे दूंगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा। और दूसरा चीज़ जो रह गया है वो है इसका एडमिशन फ़ी और कोर्स फी जो रहता है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो जो एडमिशन फ़ी है वो 999 rupees है, और मंथली है 899 rupees, क्वार्टरली है 2499, और हाफ ईयरली है 4799, और ईयरली है 1999। सो
ये सारी चीज़ आप लोगों को एडमिशन लेने में आसानी होगी, इसलिए आप लोगों को डिटेल्स दे दिया। और कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने दिया ही हुआ है, अगर इसके अलावा दूसरा कोई हेल्प चाहिए जिम के रिगार्डिंग और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करते मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप जिम में कॉल कर सकते हो, वहाँ पर वहीं से पूछ सकते हो सारी डिटेल्स। सो बस यही कहना था और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और फिट रहिए। सो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बी सेफ, राइड सेफ। जय हिंद।